मध्य प्रदेश की पूर्व शिवराज सरकार द्वारा मीसाबंदियों को दिए जा रहे 25,000 रुपये महीने की श्रद्धा निधि पर रोक लगा दी गई है। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा भारतीय जनता पार्टी के जिन कार्यकर्ताओं को मीसाबंदी के तौर पर 25,000 रुपये महीना श्रद्धा निधि दी जा रही थी, उस पर रोक लगा दी गई है। उल्लेखनीय है कि मीसा लगने के दौरान यानि आपातकाल के दौरान जो लोग जेल में भेजे गए थे, उन्हें मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा 6,000 रुपये महीना श्रद्धा निधि देने का निर्णय लिया गया था। इसके पश्चात उन्हें लगातार इस राशि को बढ़ाते बढ़ाते वे इसे 25,000 रुपये तक ले आए, यानि हर महीने 25,000 रुपया मिल रहा था। लेकिन अब इस पर तत्काल प्रभाव से कमलनाथ सरकार द्वारा रोक लगा दी गई है। इससे मीसा बंदी पेंशन पाने वाले कार्यकर्ताओं के 25,000 रुपये महीने प्रति माह मिलने पर रोक लग गई है और उनके सामने 25,000 रुपये प्रति माह का आय का स्रोत भी समाप्त हो गया है। निश्चित रूप से यह एक राजनीतिक निर्णय है जिसके शिकार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हुए हैं। लेकिन इस बारे में कांग्रेस का यह कहना है कि इसमें तो गुंडे और उठाई गिरे भी पेंशन ले रहे थे, उन्होंने फर्जीवाड़े करके मीसाबंदी के तौर पर अपना नाम जुड़वा लिया था और उन्हें भी 25,000 रुपये महीने का फ़ायदा मिल रहा था। देखने वाली बात यही होगी कि अब आने वाले समय में यह योजना पूरी तरह से बंद होती है या फिर इसे संशोधित कर लागू किया जाएगा।